सबसे पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं, जिस तरह से बीजेपी सरकार, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस तरह से जो देश का बलिदान दिए कांग्रेस पार्टी, उनके जो हमारे नेता है सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, जो इनके एसपीजी सिक्योरिटी हटाए, इसके लिए हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आज जोगेश्वरी विधानसभा में वार्ड 78 कांग्रेस जो कार्यकर्ता है इसका बहुत घोर निंदा करते हैं। इसके खिलाफ हम जिला मैदान के अंदर आज उतरे हुए हैं। हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि आपकी तानाशाही देश के अंदर नहीं चलेगी। जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से बलिदान दिया देश के लिए, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार के लोगों की आज सिक्योरिटी हटाई जा रही, जबकि एसपीजी का अलर्ट है कि गांधी परिवार इस वक्त आतंकवादी के रेड अलर्ट पे, उसके बावजूद केंद्र सरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, हमारे नेताओं की जो सिक्योरिटी हटाई जा रही है इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। अगर कल कुछ हो जाएगा राहुल जी को, प्रियंका जी, क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार लेगी, इसकी जिम्मेदारी लेगी? किस तरह से राजीव गांधी जी की हत्या की गई, किस तरह से इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई, उसके बावजूद एक कोई गांधी परिवार में से किसी का कुछ ऐसा मंशा है क्या, किसी की जो सिक्योरिटी हटाई जा रही है हमारे नेताओं के खिलाफ में? आज देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर कितना वातावरण खराब है देश का, आज महंगाई चरम पे आ गया। देख लो, आटे से लेके दाल से लेके सब चीज़ महंगा हुई, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पीछे पड़ी है। कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है, किसी को ईडी में फंसाया जा रहा है, किसी को किस में फंसाया जा रहा है। आज हमारे नेताओं के ऊपर बात आ गई, उनकी एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई है, आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाँव देश देश में हमारे नेता प्रचार करने जाते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी बीजेपी सरकार लेगी, अमित शाह जी लेंगे। ये हमारी मांग है, हमारी मांग केंद्र सरकार से, हमारी मांग अमित शाह जी से कि जो हमारे नेता के ऊपर से जो एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई उसको तत्काल रिटर्न लिया जाए, क्योंकि ये देश की कांग्रेस पार्टी है, देश की लार्जेस्ट पार्टी है और हमारे नेता गांधी परिवार से आए हैं और वो हमेशा आतंकवादी के रेड अलर्ट पे। हमारी यही मांग है अमित शाह जी की कि एसपीजी सिक्योरिटी वापस हो, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरते रहेंगे। अब आप ही लोग देखिए, जो हमारे राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी है, आज इनकी सिक्योरिटी हटाई जी, देश की मीडिया हटाई, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ये एक देश के बलिदान दी पार्टी के ये परिवार है, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी हटाई, इसके लिए मेरे को एक शायरी याद आ रही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है, यही शायरी मेरे को याद आ रही है इसके ऊपर। बहुत अच्छी।